Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rural College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic in educational psychology, that is Vygotsky's Sociocultural Theory of Cognitive Development. This theory, this topic is very important for your examination purpose as well, and it is interesting too. The lecture will be in bilingual mode and I am going to start. लाइक वाइगोत्स्की सोशियोकल्चरल थ्योरी. देखिए, वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास में योगदान रहा है और उनकी उनकी जो थ्योरी है, उनका जो सिद्धांत है, उसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है. क्यों? क्योंकि उन्होंने संज्ञान के विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया. तो अगर थोड़ा सा लेव वाइगोत्स्की के बारे में जा रहे हैं कि वो 1896 में इनका जन्म हुआ बेलारूस, जिसको अब जाना जाता है, उस जगह पर. ही बिकेम ए कंटेम्प्रेरी. ये आपके पियाजे के समकालीन थे लगभग, है ना. लेव वाइगोत्स्की रशियन थे, जल्दी ही इनकी मृत्यु हो गई थी और अभी तक इनका जो लिखा हुआ दस्तावेज है उसका ट्रांसलेशन हो रहा है. मतलब स्टिल कई इनके रिटन डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी ट्रांसलेट नहीं किए गए. मतलब कि आप समझ सकते हैं कि छोटी सी उम्र में ये कितना साइकोलॉजी को प्रभावित कर गए. और इन्होंने फोकस किया था किस पे? चाइल्ड डेवलपमेंट पे. और इन्होंने कनेक्शंस बताए थे, संयोजन बताया था, जुड़ाव बताया था कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल लर्निंग और कॉग्निशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. यानी कि व्यक्ति का, बच्चे का भाषा का विकास, उसका सामाजिक अधिगम और उसका संज्ञान एक दूसरे से संबंधित है. वाइगोत्स्की ने ये एनालाइज करके हमको बताया कि लैंग्वेज एक्विजिशन किस तरीके से बालक की बढ़ती हुई संज्ञानात्मक अभिक्षमताओं के विकास को योगदान देता है या उसको प्रभावित करता है या उसको आकार देता है. कहने का मतलब कि भाषा का विकास जरूरी है. His theory highlights the role of culture in a child's development of cognitive abilities such as reasoning and communication. उनका जो उनकी जो सिद्धांत था उसने संस्कृति की भूमिका पर बल दिया, उस पर हाईलाइट किया, प्रकाश डाला कि विद्यार्थी की, बालक की संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास में कल्चर की भूमिका होती है. और वो कौन सी संज्ञानात्मक योग्यताएं हैं? जैसे कि तार्किक क्षमता और संप्रेषण. अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की थ्योरी, In a society, adults foster cognitive development in children by engaging them in meaningful and challenging activities. इन्होंने कहा कि जो वयस्क हैं, वो व्यक्ति के, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को फोस्टर करते हैं, मदद करते हैं. कैसे? उनको अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके. वाइगोत्स्की ने जो थ्योरी बताई उसमें उन्होंने बताया कि जो सामाजिक अंतर्क्रियाएं हैं हमारी, वो हमारे संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती हैं. इसीलिए इनकी थ्योरी को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का कहा जाता है. He states that learning is a crucially social process. इन्होंने कहा कि अधिगम जो है निश्चित रूप से, मुख्य रूप से सामाजिक प्रक्रिया है, ना कि ये हमारी एक स्वतंत्र खोज की यात्रा है. मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ खुद ही खोजे जा रहे हैं, सोच रहे हैं, उसमें समाज का, संस्कृति का कोई योगदान नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ये इन्होंने कहा. उन्होंने ये भी कहा कि जो कल्चर है वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसीलिए कल्चर से कल्चर वैरी करने पर संज्ञानात्मक विकास भी बदलेगा. और इन्होंने इस बात पर बल दिया कि जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो हर अधिगम के रूट में है, जड़ में है. वाइगोत्स्की ने इनका जो सिद्धांत था वो पियाजे के समकालीन जरूर थे, लेकिन पियाजे से इतर इन्होंने बताया. पियाजे ने सोसाइटी और कल्चर के रोल को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी है जबकि इन्होंने दी है. इन्होंने ये भी बताया है कि कल्चर और लैंग्वेज जो है हमारे को शेप देता है, ऐसा पियाजे ने नहीं कहा. बाद में किसी वीडियो में आपसे पियाजे और वाइगोत्स्की का डिफरेंस भी शेयर करना होगा, बिकॉज वो पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए. पियाजे कह रहे हैं कि जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो चाइल्ड से ओरिजिनली डिस्क्राइब हो रहे हैं, डायरेक्ट हो रहे हैं, डिस्कवर हो रहे हैं, जबकि वाइगोत्स्की ने कहा सोशल का रोल इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी इंपॉर्टेंट है. जबकि पियाजे वाइगोत्स्की भी इंट्रिंसिक डेवलपमेंट की महत्ता स्वीकारते हैं कि बालक की महत्ता है, लेकिन शुरुआती दिनों में जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, वो ज़्यादा इम्पैक्ट करती है. और जो हमारी हाइयर मेंटल एबिलिटीज़ हैं और साइकोलॉजिकल फंक्शंस हैं, वो सब कल्चर से डिपेंड होते हैं, गवर्न होते हैं. ही डेवलप्ड हिज ओन थियरी अबाउट हाउ लर्निंग अकर्स. तो वाइगोत्स्की अपना अलग सिद्धांत बताते हैं कि सीखा कैसे जाता है. और इन्होंने कहा कि लर्निंग जो है वो तीन चरणों में होती है, कॉग्निटिव, मोटोरिक एंड सोशो कल्चरल. जो कॉग्निटिव है यानी कि संज्ञानात्मक है, यानी कि उसका लेना देना थिंकिंग से है, हमारे कंसेप्ट और आइडियाज से है. जो मोटोरिक है उसका मतलब है कि हम जब चीजों को करते हैं, यानी कि जब मोटर एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है. और सोशियो कल्चरल यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो इंटरेक्शन हम दूसरों से करते हैं वो.
एजम्पशंस अगर हम देखें, मूलभूत मान्यताएं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की क्या हैं, तो इन्होंने कहा कि जो एडल्ट है, जो वयस्क है, वो कन्वे करता है चिल्ड्रन को कि किस तरह से कल्चर इंटरप्रेट किया जाएगा। वो हमें बताते हैं, जो वयस्क हैं वो ये बताते हैं कि ऑब्जेक्ट, इवेंट और एक्सपीरियंसेस से कौन सी मीनिंग अटैच है। ये बताते हैं कि थॉट एंड लैंग्वेज बिकम इंक्रीजिंगली इंडिपेंडेंट इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ, यानी कि शुरुआती दिनों में जब हमारा विकास होता है तो हमारे विचार और भाषा एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन बाद में ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं। इन्होंने कहा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस हो, वो सोशल एक्टिविटी की तरह ही शुरू होगा, बाद में आप उसको इंटरनलाइज करते हैं। इन्होंने कहा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इनका कंसेप्ट है, अजम्पशन है, कि जो चिल्ड्रेन हैं, जो बच्चे हैं, वो दूसरे वयस्कों के, जो उनसे एडवांस्ड हैं, उनसे ज्यादा स्किल्ड हैं, उनके संदर्भ में, उनके संलग्न होकर जब सीखते हैं चीजों को, उनसे जुड़ के सीखते हैं, उनके एसोसिएशन में सीखते हैं, तो ज्यादा चैलेंजिंग टास्क परफॉर्म कर पाते हैं। तो वाइगोत्स्की के हिसाब से डेवलपमेंट के दो लेवल हैं, एक हमारा एक्चुअल डेवलपमेंट जो हम अकेले कर रहे हैं, जिसमें हमको कोई असिस्टेंस नहीं मिला है, और दूसरा हमारा पोटेंशियल डेवलपमेंट जो हम अपनी क्षमता है उससे आगे बढ़ के काम कर सकते हैं अगर हमको कोई कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल का साथ मिल जाए तो। और इन्होंने कहा कि अगर हम व्यक्ति को, बच्चे को चैलेंजिंग टास्क देंगे तो उसका कॉग्निटिव ग्रोथ बढ़ेगा। इन्होंने ZPD की बात की, जिसको कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो प्ले है, जो खेल है, जब बच्चा खेल में इन्वॉल्व होता है तो उसका संज्ञानात्मक विकास और अधिक होता है, क्योंकि खेल में जब हम रोल परफॉर्म करते हैं तो जनरली हम वो सब भी कर जाते हैं जो नॉर्मली हम करने में हिचकते हैं। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वाइगोत्स्की का, इन्होंने कहा कि द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल डेवलपमेंटल लेवल व्हेन असेस्ड इंडिपेंडेंटली एंड द लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट व्हेन असेस्ड इन कोलैबोरेशन विद पीयर्स और मेंटर्स और अंडर द गाइडेंस ऑफ ए टीचर। यानी कि एक एक्चुअल डेवलपमेंट है जो हम विदाउट असिस्टेंस कर रहे हैं, एक पोटेंशियल डेवलपमेंट है जो हम किसी की सहायता से कर रहे हैं, तो इनके बीच की जो दूरी है वही ZPD है। इन्होंने कहा ZPD इंडिकेट्स द वाइड वैरायटी ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस अ चाइल्ड डेमोंस्ट्रेट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट बट इज अनेबल टू परफॉर्म ऑन हिज ओन। यानी कि ZPD वो है जो हम अपनी सीमाओं को लांघ जाते हैं और वो काम कर जाते हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते, यही ZPD है। स्टेजेस भी हैं ZPD की। देखिए ZPD क्या हो सकता है कि एक काम ऐसा हो सकता है जो हम विदाउट एनी असिस्टेंस कर रहे हैं, नीचे से ऊपर चलिए या ऊपर से नीचे चलिए, टास्क अ लर्नर में परफॉर्म इन एब्सेंस ऑफ असिस्टेंस, हमको कोई असिस्टेंस नहीं मिला और हम कुछ काम कर पा रहे हैं, तो ये तो हमारा निम्नतम लेवल हो गया। फिर हम वो काम कर सकते हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते लेकिन किसी के असिस्टेंस में कर सकते हैं, वो काम हो गए कि मे परफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ असिस्टेंस, हमको असिस्टेंस मिल गई, हम कुछ और बेहतर कर सकते हैं। और फिर वो लेवल आता है कि हमको असिस्टेंस भी मिलेगी तो हम उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे, यानी कि वो हमारे काम की, हमारे विकास की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की मैक्सिमम अपर लिमिट है। तो ये इन स्टेजेस की बात की इन्होंने। फिर इन्होंने लर्निंग पे क्या कहा, वाइगोत्स्की अधिगम पे कह रहे हैं कि जो संस्कृति है वो सीखने के लिए आवश्यक है, जो भाषा है वो संस्कृति के लिए आवश्यक है, और लर्नर्स अपनी कम्युनिटी के इन्फ्लुएंस में ये सीखते हैं कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है। इसका मतलब कि जो कम्युनिटी है वो इफेक्ट डाल रही है, इसका मतलब कल्चर है वो प्रेशर डाल रहा है पेरेंट्स पे कि वो कैसे अपब्रिंगिंग करें बच्चे की, जो कम्युनिटी है वो सिखा रही है कि किस ऑब्जेक्ट से कौन सा मीनिंग अटैच है, कैसे आपको अपने एटीट्यूड, बिहेवियर और बायस डिसाइड करने हैं, तो चिल्ड्रेन पे ये सब निर्भर करता है, संस्कृति, उसका समाज, उसका समुदाय, उसके वयस्क, है ना, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। कल्चर की भूमिका हो ही गई कि कल्चर की सबसे ज्यादा भूमिका है, जो कल्चर है वही हायर मेंटल फंक्शंस को गवर्न कर रहा है, इसीलिए सोशियो कल्चरल थ्योरी कहा भी जाता है। और उन्होंने कहा कि एडल्ट जो है सोसाइटी में वो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को चैलेंजिंग और मीनिंगफुल एक्टिविटीज में इंगेज करके बढ़ा सकते हैं। स्केफोल्डिंग, ये एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाइगोत्स्की ने जिसके बारे में जिक्र किया, लेकिन स्केफोल्डिंग का जिक्र आपको पता होगा ब्रूनर ने भी किया है, तो वाइगोत्स्की ने सबसे पहले स्केफोल्डिंग की बात नहीं बताई है बट उन्होंने स्केफोल्डिंग पर बात की है। वाइगोत्स्की कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं वाइगोत्स्की, एक है आपका एक्चुअल डेवलपमेंट जिसमें आपको असिस्टेंस नहीं मिल रहा है, एक है आपका पोटेंशियल डेवलपमेंट जिसमें आपको असिस्टेंस मिल रहा है, तो जो असिस्टेंस टीचर प्रोवाइड करेगा उसी को स्केफोल्डिंग कहा है। यानी कि वो कैसे जोड़ तोड़ करके रिसोर्सेस, टूल्स, आपके लिए संसाधन, आपके लिए ये जो भी मीनिंगफुल एक्टिविटी कर रहा है वो सब स्केफोल्डिंग है। जैसे कि स्केफोल्डिंग थ्योरी में कहा गया कि रिसोर्सेज, टूल्स, इंस्ट्रक्शंस एंड एक्टिविटीज दैट आर यूज्ड टू सपोर्ट द लर्निंग प्रोसेस आर रेफर्ड टू एज स्केफोल्डिंग। और इन्होंने कहा इन्हीं स्टेप्स को स्केफोल्ड कहेंगे, मतलब
आप कुछ पढ़ाने गए तो आपने सोचा कि हम पहला चरण ये बताएंगे, फिर दूसरा ऐसे बताएंगे, फिर तीसरा ऐसे बताएंगे, तो ये जो चरण आप बता रहे हैं यही इसके फोल्ड है। ये चरण बताने वाला टीचर हो सकता है, पीयर ग्रुप हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उन्हीं से वही गाइडेंस है आपके, है ना। तो इसके फोल्डिंग थ्योरी कैन बी सिग्निफिकेंटली यूजफुल टू टीच स्टूडेंट्स ए न्यू स्किल और मेंटल डेवलपमेंट कंसेप्ट। हाउ एवर इफ द टीचर इज अनअवेयर ऑफ द यूनिक ZPD ऑफ ईच स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ स्केफोल्डिंग थ्योरी मे नॉट बी वेरी इफेक्टिव। तो स्केफोल्डिंग थ्योरी तभी अपना रोल प्ले कर पाएगी जब हमको ZPD के बारे में पता हो, जब हमको पता हो कि छात्र का पोटेंशियल डेवलपमेंट कहां तक हो सकता है, उसी हिसाब से आप स्केफोल्डिंग के बारे में बात करेंगे। और स्केफोल्डिंग के इन्होंने कुछ लाभ भी बताए, मैं पूरा वन बाई वन लाइन बाई लाइन नहीं पढ़ रही हूँ, आप इसे पढ़ लीजिएगा खुद से पॉज करके, कि एम ऑफ स्केफोल्डिंग क्या है, कि हम ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं कि स्टूडेंट कंफर्टेबल हो आस्किंग क्वेश्चंस में अंटिल दे, और क्या क्या लाभ हो सकते हैं। पहली बात तो हम छात्र को अभी प्रेरित कर सकते हैं कि भाई आपको जहाँ दिक्कत आएगी हम हैं, हम आपको बताएंगे, तो वो अभी प्रेरित होगा। उसका जो फ्रस्ट्रेशन है आप उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप विदाउट असिस्टेंस काम करते हैं और काम नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेट होते हैं हम लोग, और हम उसको एक फास्टर लर्निंग एक्सपीरियंस दे सकते हैं। देखिए अपने से उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, बार बार वो ट्रायल एंड एरर कर रहा है, आप उसको एक सही बात बता दे रहे हैं, सही मार्ग बता दे रहे हैं, रास्ते से मिनिमाइज कर दे रहे हैं दिक्कतों को, तो उसको लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो फास्टर हो जा रहा है। और अगर इसका क्लासरूम एप्लीकेशन देखें तो क्लासरूम एप्लीकेशन है इसके, कि ये सबसे पहली बात सोशल इंटरेक्शन पे बल देता है, इसका मतलब कोलैबोरेटिव लर्निंग पे वाइगोट्स्की की थ्योरी बल दे रही है। वो कह रहा है कि सोशल निगोशिएशन जरूरी है, वो कह रहा है कि फॉर्मेटिव ईयर्स में आपके सोशल कंटेक्सट इंपॉर्टेंट है, बाद में आप इसको इंटरनलाइज करते हैं। इसीलिए ये मेमोरी ओरिएंटेड मॉडल ऑफ टीचिंग जो ट्रेडिशनल है उस पर बल नहीं देता, ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ मॉडलिंग मॉडल पे बल देता है। रेसिप्रोकल टीचिंग जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, डायलॉग हो रहा है, क्लेरिफिकेशन हो रहे हैं, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह से ये क्लासरूम को इंगेजिंग और डायलॉगिक और मोर मीनिंगफुल बना रहा है। कौन? वाइगोट्स्की की थ्योरी। इसके अलावा अगर हम ZPD का एप्लीकेशन क्लास में देखें तो अगर बच्चे को के ZPD के बारे में स्टूडेंट को पता, टीचर को पता है, तो वो स्कैफोल्डिंग कर सकता है, वो उसका समय घटा सकता है, वो उसको बढ़िया तरीके से सिखा सकता है, हायर डिफिकल्टी की लेवल तक उसको पहुंचा सकता है ना। तो और वाइगोट्स्की की थ्योरी का एक और देखिए बहुत बढ़िया आपका एप्लीकेशन है, कि हम क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं क्लास में, कि हर जो कमजोर बच्चों का ग्रुप है उसमें आप एक मोर एडवांस्ड पीयर को अगर इंट्रोड्यूस कर दे तो जो पीयर की प्रेजेंस में वो बच्चे अच्छा करने लगेंगे। क्यों? वो अपने एक्चुअल डेवलपमेंट से पोटेंशियल डेवलपमेंट तक पहुंच जाएंगे, है ना। और चैलेंजेस भी हैं इसके कुछ, इतना आसान नहीं है क्योंकि हमारे पास ना इतना समय है ना इतना संसाधन है कि हम हर बच्चे की आवश्यकता को इंडिविजुअली डील करें। कभी कभी हो सकता है हम छात्र की ZPD को मिस जज कर लें तो दिक्कत होगी, ये हो सकता है कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो इसलिए हम ये नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ये भी हो सकता है कि हमारा लेसन प्लान में हमने स्कैफोल्डिंग को ठीक ठीक जगह नहीं दी है तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे ठीक तरीके से। और वही बात कि ZPD कैसे पता चलेगा हर टीचर, आप वन टू वन आप बैठेंगे नहीं उसके साथ, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप इतना ओवर बर्डन है, तो जब तक ZPD के बारे में पता नहीं तो ये थेरी फिर सिर्फ ऑन पेपर रह जाएगी। और अगर इसका इवेल्युएशन करें तो वाइगोट्स्की की थेरी क्योंकि पियाजे से कम प्रचलित है इसलिए पियाजे से कम इनका क्रिटिसिज्म हुआ है, लेकिन स्टिल इसका क्रिटिसिज्म होता है क्योंकि इन्होंने कोई बायोलॉजी और जेनेटिक्स पे बात नहीं की कि जेनेटिक्स आपका क्या रोल प्ले करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, इमोशनल डेवलपमेंट की बात नहीं की, इन्होंने कोई टेस्टिंग रिसर्च एक्सपेरिमेंट नहीं किया अपनी थेरी का बताने के लिए। इन्होंने ये भी संभव नहीं है कि हम हर बच्चे को लर्निंग में पार्टिसिपेट करा सकें, ये भी संभव नहीं है। सोशल इंटरेक्शन हमेशा लर्निंग में रोल नहीं भी प्ले करता है, भाषा हमेशा लर्निंग की फाउंडेशन ही भी हो सकती है ना। तो ये सारी बातें हैं, तो वाइगोट्स की बहुत पूछे जाते हैं, बहुत हमारे कोर्सेज में होते हैं, इनसे सवाल पूछे जाते हैं, ZPD, स्टेप्स ऑफ ZPD, स्केफोल्डिंग, है ना, सोशल कल्चरल, किसने बात की सबसे ज्यादा कल्चर पे महत्ता, कल्चर की महत्ता पे किसने बल दिया, ऐसे करके। लेकिन एक अभी बात इस पे रह गई, एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट वाइगोट्स्की का लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगी कि व्हाट इज द लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी इन अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की। ओके, सो इतने पोर्शन के लिए आई हैव कवर्ड द इनिशियल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट लेवी वाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन।